हेलो गाइस, व्हाट्स अप। इस वीडियो में हम लोग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड पहला प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट। प्रॉब्लम तो क्या बोला है, द प्रोबेबिलिटी दैट अ पेन मैन्युफैक्चर्ड बाय अ कंपनी विल बी डिफेक्टिव इज 1/10। द प्रोबेबिलिटी दैट अ पेन मैन्युफैक्चर्ड बाय अ कंपनी विल बी डिफेक्टिव इज 1/10। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, स्मॉल पी की वैल्यू मिल जाएगी। इफ ट्वेल्व सच पेन्स आर मैन्युफैक्चर्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, पहला वाला पार्ट में क्या बोला आपको यहाँ पे, एक्जैक्टली टू विल बी डिफेक्टिव। बी में क्या बोला आपको यहाँ पे, नन विल बी डिफेक्टिव। और थर्ड में बोला आपको एटलीस्ट टू विल बी डिफेक्टिव। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है, इफ 12 सच पेन्स आर मैन्युफैक्चर्ड, तो यहाँ पर आपको जो स्मॉल एन की वैल्यू है दैट इज गिवन एज 12। तो यहाँ पहले हम लोग गिवन डेटाज लिखेंगे, उसके बाद अपन प्रॉब्लम को सॉल्व करने का अप्रोच देखेंगे। सॉल्यूशन, तो टोटल नंबर ऑफ पेंस दैट इज स्मॉल एन की वैल्यू है कितना, ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, 12। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ डिफेक्टिव पेन स्मॉल पी की वैल्यू हुई है दैट इज 1/10, मींस ये अपने क्या होगा, ये 0.1 हो जाएगा। ओके अब मुझे क्या निकालना है, अगर पी मुझे मिल चुका है तो मुझे क्यू मिल जाएगा। ओके, पी अगर डिफेक्टिव पेन होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ डिफेक्टिव पेन, तो क्यू अपना क्या होगा, नॉन डिफेक्टिव पेन हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नॉन नॉन डिफेक्टिव पेन, स्मॉल क्यू क्या होगा अपना, ये 1 - p हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 0.9। हम लोग को पता है, क्या बताओ, दैट बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वाले केस में यहाँ पे हम लोग कुछ पढ़े थे, ठीक है, पिछले वीडियो में। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक फॉर्मूला देखा था, दैट इज p+q=1। इसी फॉर्मूले को मैं यहाँ पे यूज़ कर क्या निकाला, मैं क्यू निकाला, क्यों, क्योंकि मुझे p ऑलरेडी पता था यहाँ पे। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मुझे तीनों केसेस में आना है। पहला देखो, केस क्या बोला आपको यहाँ पे, एग्जैक्टली टू विल बी डिफेक्टिव। तो यहाँ पर उसे क्या निकालना बताओ, पहला वाला पार्ट। ओके, पहला वाला पार्ट को अपन सॉल्व करेंगे यहाँ पे, एग्जैक्टली तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली टू विल बी डिफेक्टिव। ओके, तो प्रोबेबिलिटी हमको क्या निकालना है यहाँ पे, पी ऑफ गेटिंग टू। ओके, और हमारा जो फॉर्मूला है, देखो क्या है, अपने यहाँ फॉर्मूले में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा जो फॉर्मूला था, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आर सक्सेस इक्वल्स टू एन सी आर पी की पावर आर क्यू की पावर एन माइनस आर। तो यहाँ पे एन की वैल्यू क्या है, यहाँ पे दिया हुआ 12 दिया हुआ है। आर पहले वाले केस मुझे क्या दिया, यहाँ पे टू निकालने बोला है, तो लेट अस सी। तो यहाँ पे देखो अपना क्या बन जाएगी, है 12c2। फिर देखो यहाँ पे क्या लिखा है, पी की पावर आर क्यू की पावर एन माइनस आर। पी की वैल्यू क्या है, 0.1 दिया हुआ है, और इसके बताओ पावर में क्या हो जाएगा, यहाँ पे टू हो जाएगा, और यहाँ पे 0.9 पावर, बताओ यहाँ पे तुम्हारा क्या आएगा, 12 - 2 आएगा। फाइन, ओके। इसको देखो हम क्या लिख सकते हैं, 12 फैक्टोरियल 12 लिखेंगे, अपॉन में फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 12 - 2 दैट इज फैक्टोरियल 10। ओके, 0.1 पावर में 2, 0.9 पावर में 10। ओके ठीक, तो यहाँ पे 12 × 11 × फैक्टोरियल 10 लिखूँगा, फैक्टोरियल 2 को मैं लिखूँगा 2 × फैक्टोरियल 10 लिख दूंगा इसको मैं, या फर्स्ट में कैंसिल हो जाएगा। इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, 0.1 का पावर 2, 0.9 का पावर 10। फाइन, ओके, अब ये से कट जाएगा तो 6 बचेगा। फाइन, तो इसको हम सॉल्व करते हैं बाय द हेल्प ऑफ कैलसी। ओके, आपको इजी पड़े कैलकुलेशन में, इसलिए मैं यहाँ पे कैलसी आपको दिखा दे रहा हूँ कि सॉल्व कैसे करते हैं। यहाँ देखा लिखा 0.1 का पावर 2, तो यहाँ पर मैं ऑन करके 0.1 का पावर, देखो यहाँ पे क्या लिखा, 2 लिख दिया, यह आ गया अपना वैल्यू, इंटू 0.1 पावर 10 लिखा, 0.9 पावर 10 इंटू 0.1
0.9, उसका पावर क्या आएगा यहाँ पे, 10 आएगा। ओके देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ठीक, ये जो भी आया उसको हम क्या करेंगे, 6 × 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 66 × 66 करेंगे, तो यहाँ मुझे क्या मिलेगा, पॉइंट के बाद कोशिश करिए आप चार वैल्यू को रखने के लिए यहाँ पे। ओके तो दिस विल बिकम 0.2301, ये अपना क्या हो गया पी ऑफ गेटिंग टू, ये अपना क्या होगा पहले वाले पार्ट का आंसर हो गया। सिमिलरली हमको करना क्या है, सेकेंड वाले पार्ट को सॉल्व करना, दैट इज देखा क्या लिखा है, नन विल बी डिफेक्टिव। फाइन आगे बढ़ते हैं, देखा क्या लिखा है, नन विल बी डिफेक्टिव, इसका मतलब मुझे क्या निकालना पता है यहाँ पे, देखो बी में लिखा है प्रोबेबिलिटी दैट नन विल बी डिफेक्टिव, तो यहाँ पर मुझे क्या निकालना है, पी ऑफ गेटिंग जीरो विच इक्वल्स टू 12C0, 0.1 पावर में जीरो, 0.9 पावर में 12 माइनस जीरो दैट इज 12। ओके ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर मैंने बताया था ये चीज़, दैट इज एन सी जीरो की जो वैल्यू होगी क्या होगी, हमेशा 1 होगी, तो ये अपना क्या होगा, 1 हो जाएगा। ओके यहाँ पे देखो एनीथिंग पावर जीरो इज ऑल्सो 1, ओके 0.9 पावर 12, ठीक है तो 0.9 पावर अपना क्या आएगा, 12 आएगा, तो लेट अस सॉल्व दिस, कैलसी आ जाओ, 0.9 पावर में 12 लिखा आपने, तो 0.9 पावर में यहाँ पे तुम्हारा क्या आएगा, 12 आएगा, जिससे हम मच 0.2824, यहाँ पे लिखो 0.2824, ये अपना क्या हो बताओ, सेकेंड वाले पार्ट का भी आंसर आ चुका है। अब मुझे करना क्या बताओ, यहाँ पे थर्ड वाले पार्ट को सॉल्व करें, जहाँ पे देखो क्या बोला है, एटलीस्ट 2 विल बी डिफेक्टिव, कम से कम जो 2 है आपको डिफेक्टिव होना चाहिए। टोटल कितने सच पेन्स हैं यहाँ पे, आपको दिया हुआ है 12 सच पेन्स आपको दिया यहाँ पे, टोटल आपके पास 12 पेन्स हैं जिसमें से बोल रहा है कि कम से कम 2 डिफेक्टिव होना चाहिए। ओके तो यहाँ पर देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको यहाँ पर फ्रिक्वेंटली 2 चीज़ पूछ सकता है प्रॉब्लम में, एक होता है एटलीस्ट, एक होता है एटमोस्ट। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम उतना होना ही चाहिए, मतलब 2 से लेकर 12 तक कुछ भी चांसेस हो सकती हैं, लेकिन अगर आपको एटमोस्ट बोलेगा तो एटमोस्ट मतलब क्या, अधिक से अधिक होगा, दैट इज अगर बोला आप आपको एटमोस्ट 2 विल बी डिफेक्टिव, क्या होगा मतलब आंसर 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, तो सिंस यहाँ पे आपको दिया है एटलीस्ट, तो हम लोग उसी के हिसाब से आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे थर्ड हो क्या, आपको क्या बोला आप, प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 2 विल बी डिफेक्टिव, तो ऐसे केस मुझे क्या निकालना बताओ, पी ऑफ 2 से लेके कहाँ था बताओ, पी ऑफ 12 तक, ठीक है क्योंकि हम मुझे क्या बोला एटलीस्ट कम से कम 2 तो होना ही चाहिए। ठीक है तो आगे बढ़ते हैं, इसको देखो हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकता हूँ मैं 1 माइनस P of getting 0 प्लस P of getting 1। फाइन इसको हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, तो P of getting 0 मतलब क्या फॉर्मूला लगेगा अपने यहाँ पे, 1 माइनस यहाँ पे तो क्या होगा 12C0, 0.1 पावर में 0, 0.9 पावर में 12 प्लस, ये अपना हो गया पी ऑफ 0 केस हो गया। अब मुझे क्या निकालना, पी ऑफ 1 का निकालना है, तो यहाँ पर देखो क्या होगा, ये 12C1, 0.1 पावर में 1, 0.9 पावर में 12 माइनस 1 दैट इज 11। फाइन ओके तो यहाँ पे 1 से माइनस करना है मुझे, ठीक है तो यहाँ पर देखो क्या होगा, ये अपना वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ठीक है देखो ये सारे वैल्यू ऊपर वाले से मैच कर रहे कि नहीं, दैट इज़ पी ऑफ 0, तो ये ऑलरेडी अपन निकाल चुके, दैट इज 0.2824, 2824। फाइन इसको अपन सॉल्व कर देते हैं एक बार, इसको एक बार अपन सॉल्व कर देते हैं, तो 12C1 देखो क्या होता है फॉर्मूला, 12C1 का मतलब क्या होगा, NC1 का क्या होता है, N होता है कि नहीं यहाँ पे, तो ये अपना क्या होगा 12 हो जाएगा। ओके 0.1 पावर में 1, 0.9 पावर में 11। एक और स्टेप लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1 माइनस 0.2824 प्लस, इसको सॉल्व करते हैं देखते कितना आता है, ये देखो यहाँ पे लिखा है 0.1 पावर में n, 0.1
पॉइंट नाइन पावर में 11, तो पॉइंट नाइन पावर में 11 देखते हैं पहले, ये अपना आ गया इंटू पॉइंट वन हो गया, ये इंटू 12 इंटू 12, देखो कितना आया, समथिंग लाइक दिस। ओके 3.0.3766। ओके अब इसको उसको ऐड कर लेंगे और फाइनली हम लोग उसको वन से माइनस कर लेंगे, तो प्लस करूँगा मैं 0.2824 ऐड कर लिया। अब उसको करना क्या, मुझे वन से माइनस करना, तो वन माइनस आंसर कितना है देखो यहाँ पे आपका 0.3410, और ये अपने का फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।